आज हम बात करेंगे स्पेनिश फ्लू की। स्पेनिश फ्लू 1918 की आलमी वबा, जिसे फ्लू वबा भी कहा जाता है। कहने को ये आम सा फ्लू था, पर देखते ही देखते ये करोड़ों जिंदगियां खा गया। फिर इसे फ्लू आलमगीर वबा का नाम भी दिया गया। ये बीमारी 1918 से लेकर 1920 तक रही। इस वबा से 500 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, जो इस वक्त दुनिया की आबादी का एक चौथाई हिस्सा बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 50 मिलियन तक है, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि हो सकता है कि 100 मिलियन तक मौत वाकया हुई हों, जो कि इंसानी तारीख की सबसे महलिक वबाई बीमारी बताया जाता है। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका ट्रेलर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। It may not be easy to maintain calm in the city. All city symptoms of both these cases are identical. Data shows the death toll could increase exponentially. The city must be shut down. Launch operation clean the city now. And will be segregated at the camp. All the infected people, they're being shot and killed. We cannot afford to let this. This is the only chance we have. I think you could take care of me, Hoover. Over 2,000 people an hour are dying out there. Mom, why are you here? We don't belong here! Come on! There's no care for you! I'm doing this for us all. You're fucking doing this for yourself! I've got you. Let's go find your mom. I left my daughter back there. I'm going to get her back. ये फिल्म स्पेनिश फ्लू पर ही बनाई गई। इस फिल्म का नाम फ्लू है, जो कि अगस्त 2013 में सिनेमाघरों में दिखाई गई। ये बीमारी इंसानों का मुदाफती निज़ाम को तबाह कर देती है। देखा जाए तो आजकल जो कोरोना बीमारी है, ये भी इसी से मिलती जुलती है। इसमें भी बुखार होता है, फ्लू होता है, और फिर इंसान का मुदाफती निज़ाम तबाह हो जाता है, सांस रुकता है और इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह हमें इस बीमारी से महफूज रखें और जल्द अज जल्द इस बीमारी का खात्मा करें। आमीन।